अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज हम बात करेंगे डीटॉक्स वाटर से वेट लॉस के बारे में। जब मैं छोटी थी ना, मतलब FSC में थी, तो मैंने बड़ा सुना था कि डीटॉक्स वाटर इस्तेमाल करो तो वज़न कम हो जाता है। और उसमें एक बहुत मशहूर डीटॉक्स हुआ था कि एक बोतल लें, उसके अंदर आप खीरे डाल दें, थोड़ा सा उसके अंदर जिंजर डाल दें, उसके अंदर मिंट डाल दें, लेमन डाल दें, वो वेट लॉस में फ़ायदेमंद साबित होता है। सबसे पहले मैं इस चीज़ को क्लियर करती चलूँ, डीटॉक्स का वेट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है। डीटॉक्स वाटर वेट लॉस नहीं कराता, हाँ उसमें हेल्प ज़रूर करता है। अब हेल्प कैसे करता है? लेमन के अंदर वो फाइटोकेमिकल्स मौजूद हैं जो कि फैट बर्नर हैं, जो कि इजाफी चर्बी को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। जब आपने वो उसके अंदर डाल दिया तो जाहिर है फैट लॉस कहीं ना कहीं शुरू हो गया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है हमने पूरा दिन डिटॉक्स पीते रहना है और शाम को बर्गर भी खा लेना है। इस तरह से इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा और डिटॉक्स डायरेक्टली वेट लॉस नहीं कराएगा। अगर आप यही नींबू वैसे भी सलाद पर डाल के खाएंगे, वेट लॉस उतना का उतना फिर भी हो जाएगा। असल में होता क्या है, हम पाकिस्तानियों को, हम लोगों को आदत पड़ी हुई है हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाना है, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना ठुंगे मारने हैं, तो ये हमारी आदत है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन जो अपने बच्चों को जब रात को सुला लेती हैं, उनका दिल करता है अब हम कुछ ना कुछ लें। ये डिटॉक्स उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इस तरह से हेल्प करता है कि जो आपने एक फ्लेवर्ड ड्रिंक इस्तेमाल की हुई है तो आप वैसे नहीं खाएंगे जैसे आपने आम रूटीन में खाना था। मतलब अगर मैंने यहाँ पे दो ग्लास डिटॉक्स पी लिया है तो जाहिर है अगर मेरा कुछ खाने को भी दिल कर रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। मतलब वैसे मैं नहीं खाऊंगी जैसे मैं रूटीन में खाती थी। सो पहला जो फैक्टर आता है वो ये आता है कि ये हंगर को सप्रेस कर देता है, आपकी भूख को थोड़ा सा कम कर देता है। दूसरा फैक्टर ये आता है कि बोरियत में जो आप उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं ये उसके अगेंस्ट भी फ़ायदेमंद साबित होता है। पहली हंगर को जब इसने सप्रेस कर दिया आप ऑटोमेटिकली खाना कम खाएंगे, बोरियत में जो आपने उल्टी सीधी चीज़ें खानी थी उसको भी कम कर देते हैं। अब डिटॉक्स वाटर क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। जिन लोगों को स्किन का कोई प्रॉब्लम है वो डिटॉक्स ज़रूर इस्तेमाल करें। डिटॉक्स वाटर हमारी स्किन को बहुत अच्छा कर देता है। उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये आता है, आप एक तो ये कि बड़ी बाकायदगी से 12 ग्लास पानी पीना शुरू कर देते हैं ना, वैसे मैं चीखती रह जाती हूँ पानी का इस्तेमाल 10 से 12 ग्लास, पानी का इस्तेमाल 10 से 12 ग्लास, नमाज से पहले भी पिए, नमाज के बाद भी पिए ताकि 10 ग्लास हो जाएँ, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते, हम भूल जाते हैं। सो डिटॉक्स जब हमारे सामने बना पड़ा होता है और पीने में भी मज़ेदार होता है तो हम इसका इस्तेमाल बाकायदगी से करते हैं। सो पहला फैक्टर हमारी स्किन बेहतर इसलिए हो जाती है, हाइड्रेशन हो जाती है। हाइड्रेशन जो है वो हमारी स्किन को भी रिफ्रेश करेगी और वेट लॉस में भी हेल्प करेगी। मैं फिर रिपीट कर दूं, जो लोग बहुत अच्छी डाइट करते हैं, जो लोग बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, पानी का इस्तेमाल सही नहीं करते, उनकी कभी भी उनका वेट लॉस नहीं हो पाता। सो जब आप डिटॉक्स का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर पानी की कमी निकल जाता है और आपका वेट लॉस खुद ब खुद शुरू हो जाता है। सो पहला फैक्टर यह आएगा कि यह हाइड्रेशन करता है। दूसरा, इसके अंदर जो खीरा मौजूद है, इसके अंदर जो जिंजर मौजूद है और इसके अंदर जो लेमन मौजूद है, वो तीनों चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो हमारी स्किन को लेके ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। हाँ, मैं फिर कह दूँ कि इसका वेट लॉस से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं। आप डिटॉक्स पीते रहेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरा वेट लॉस हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अब डिटॉक्स सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं बनाया जा सकता, डिटॉक्स बहुत सारे फैक्टर्स के लिए। जैसे अगर किसी को तेजाबियत का मसला है, वो सौंफ, इलायची और पुदीना, ये तीनों चीज़ें हंस पे जायका घोल के रात को रखते, सुबह उठ के पूरे दिन उसने यही पानी पीना है, ये डिटॉक्स तेजाबियत के लिए, गैस के मसले के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है तो खीरा, जिंजर, मिंट, लेमन और उसके साथ कोई एक फ्रूट जैसे स्ट्रॉबेरीज बहुत कॉमन देखी गई हैं, या सेब, या इवन अगर आपको कोई और फ्रूट पसंद है तो आप वही उसके अंदर काट के रख दें, एक फ्लेवर्ड ड्रिंक आपके लिए तैयार हो जाएगी जो थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप एक चाय का चम्मच तुख मलंगा या चिया सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़वातीन हैं तो वो तुख मलंगा इस्तेमाल करें, मर्द हसरात हैं तो वो चिया सीड्स का इस्तेमाल करें, वो भी फूल जाएंगे तो आपकी हंगर काफ़ी ज़्यादा सप्रेस हो जाएगी, जो थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें उल्टे सीधे खाने याद आ रहे होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। शुक्रिया बहुत।